हे गाइस, वेलकम टू वेकअप टू मेकअप माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि ऐसा फेस पैक जो 2-in-1 है। तो ये एक ऐसा फेस पैक है जो एक बार ही यूज़ करना है और आपको स्क्रबिंग और फेस पैक आराम से आपका हो जाएगा एक ही बार में। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मसूर दाल फेस पैक कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, साथ ही उसके फ़ायदे। आप सभी को पता है मसूर दाल इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। वो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, साथ ही साथ क्लीन करता है, टैन रिमूव करता है। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ 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 प्रमोट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और आपको कोई भी अगर वीडियो चाहिए, किसी भी बारे में जानना है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर शेयर। गेट स्टार्टेड। लगा के कुछ वक्त के लिए स्क्रब किया है, देन आपको इसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई होने के बाद इसको कोल्ड वाटर से आपको वॉश कर लेना है। सो मैं इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे स्क्रब कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, साथ ही ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही डेड सेल्स को बाहर निकालेगा। समर्स में ये आप ज़रूर यूज़ करिए। आप वीक में 2 से 3 बार इसको अगर लगाएंगे तो आपको खुद इसका इफेक्ट आपको फेस पे दिखेगा ही दिखेगा। और सीरियसली गाइस, आपकी स्किन चाहे ड्राई क्यों ना हो, सेंसिटिव और ऑयली क्यों ना हो, आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, ये मसूर दाल है, तो ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। अब ये मेरे फेस पे लग गया, मैं इसको छोड़ देती हूँ जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। और ड्राई, सो गाइस, 20-25 मिनट्स के लिए आपको इसको छोड़ देना है फेस पैक को लगाने के बाद। उसके बाद सूखने के बाद इसको आपको कोल्ड वाटर से वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अपनी स्किन में। और इसे आप वीक में 2-3 टाइम्स ज़रूर करिए फॉर अ बेटर रिजल्ट। और आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे आप। सो गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करिए अगर आप कर सकते हैं तो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। मैं फिर आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी।